दोस्तों जू बाटनी में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो एक परिंदे के बारे में है जो परिंदों का बादशाह है, जिसकी कीमत हज़ारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आपके हाथ लग जाए तो ये करोड़ों से कम नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों बाज एक परिंदा है जिसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे शाहीन, बाज, उकाब और ईगल वगैरह। बाज की कई इकसाम हैं जो लाजमी नहीं कि एक दूसरे से मिलती जुलती हों। अफ्रीका और एशिया में बाज की 60 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। अमेरिका और कनाडा में महज 2 किस्म के बाज पाए जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 किस्म के उकाब पाए जाते हैं। बाज हम मुसलमानों के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल परिंदा है। हम मुसलमान इसकी लपक झपक, तेज़ निगाह, पुरवकार, बारोप उड़ान और ऊंची परवान की मिसालें देते हैं और हमेशा अपने बच्चों को उकाब जैसा बनने की तरगीब देते हैं। शायर इनकलाब डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने जज्बा आज़ादी उभारने के लिए मुकम्मल शाहीन की ज़िंदगी का अपनी शायरी में हवाला दिया। ये अपनी जिसामत, ताकत, भारी सुर और चोंच की वजह से दीगर शिकारी परिंदों से यकसर मुख्तलिफ है। बाज के परों की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई भी कदर ज़्यादा होती है। इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है ताकि शिकार आसानी से खा सके। इसकी टांगें मजबूत और पंजे नुकीले और बला की ताकत रखने वाले होते हैं। बाज की तेज़ निगाह इसे बहुत फासले से शिकार को दिखा देती है। ये बहुत ऊंचाई पर परवाज करता है, जिस ऊंचाई तक बाकी परिंदे कभी नहीं जा सकते। ये घोंसला बहुत बुलंद दरख्त पर या इंतहाई बुलंद चट्टान पर बनाता है। इसकी मादा 3 अंडे देती है। जब बच्चे निकलते हैं तो मादा हर तीसरे बच्चे को अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। वो तीसरे बच्चे को इसलिए अपने घोंसले से नीचे गिराती है ताकि वो अपने ऊपर बोझ कम कर सके। पाकिस्तान में मकामी तौर पर बाज का शिकार खेला जाता है। बाज का शिकार सितंबर और अक्टूबर में खेला जाता है। अगर किसी शिकारी पार्टी को बाज लग जाए तो उनके बाज की तरह पर निकल आते हैं, यानी वो सब करोड़पति बन जाते हैं। पाकिस्तान में आने वाला बाज रूस से आता है। बाज एक शिकारी परिंदा है। ये गोश्तखोर है। ये सांप को अपना शिकार बनाता है। ये मछली को बहते पानी से निकाल लेता है। ये छोटे छोटे परिंदों का गोश्त भी खाता है। ये खरगोश और हरनी का गोश्त बड़े शौक से खाता है। औसत उम्र 20 से 25 साल है। अक्सर बाज 5 साल से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो बच जाते हैं उनमें से कुछ की उम्रें 70 साल तक भी होती हैं। हर साल दुबई का शाही ख़ानदान पाकिस्तान में तलूर के शिकार के लिए आता है। पाकिस्तान में शिकार होने वाले बाज इन्हीं अरबी हुक्मरानों को बेचे जाते हैं, जिनका अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। बाज को जो सिखाया जाए ये जल्दी सीख जाता है। बाज का गोश्त हराम है। इसकी परवाज की रफ्तार हैरान कन तौर पर तेज़ है। बाज की मुख्तलिफ नस्लों की अपनी अपनी रफ्तार है। गोल्डन ईगल की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है। बेल्ड ईगल की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। नाजरीन, इस परिंदे के मुतल्लिक अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।